नमस्कार दोस्तों, ज्योग्राफी में स्वागत है। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे पोल्ट्री में उच्च न्यायालय हाई कोर्ट्स। दोस्तों यदि आप यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूपीएससी, यूपीट्रिपलएससी की तरह दोस्तों जिस किसी भी एग्जाम की दोस्तों तैयारी कर रहे हैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों किसी भी एग्जाम में पोल्ट्री से 15 से 20 कभी कभी जो है 22 से 25 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। दोस्तों इनके क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो क्वेश्चन है इनको सॉल्व करने से पहले हम उच्च न्यायालय के बारे में कुछ जान लेते हैं। उच्च न्यायालय दोस्तों भारत की एकल समेकित न्यायिक व्यवस्था में उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय से नीचे लेकिन अधीनस्थ न्यायालयों के ऊपर कार्य करता है। राष्ट्र एक राष्ट्र की न्यायपालिका में एक उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों का एक पद सोपान है। राज्य के प्रशासनिक जो है राज्य के न्यायिक प्रशासन में उच्च न्यायालय की स्थिति शीर्ष पर है। अगला पॉइंट दोस्तों इसमें है भारत में उच्च न्यायालय संस्था का सर्वप्रथम गठन 1862 में तब हुआ जब कलकत्ता, बम्बई और मद्रास उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई थी। आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है भारत में उच्च न्यायालय संस्था का सर्वप्रथम गठन 1862 में तब हुआ जब कलकत्ता, बम्बई, मद्रास उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई और 1866 में चौथे उच्च न्यायालय की स्थापना इलाहाबाद में हुई। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में हुई थी और 1950 के बाद प्रांत का उच्च न्यायालय संबंधित राज्य का उच्च न्यायालय बन गया। दोस्तों भारत के संविधान प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है लेकिन 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह जो है दो या दो से अधिक राज्यों एवं संघ राज क्षेत्र के लिए एक साझा उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। तो मूल संविधान तो एक आ गया कि प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय होगी लेकिन 7वें संविधान संशोधन 1956 के माध्यम से संसद को अधिकार दिया गया कि वह दो या दो से अधिक राज्यों एवं संघ राज क्षेत्र के लिए एक साझा उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं। अभी न्यायालय जो है आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय गठन किया गया है 2019 में। तो वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हो गए हैं। इनमें से 4 जो है उच्च न्यायालय हैं ऐसे साझा उच्च न्यायालय हैं जो एक से अधिक राज्यों में के अंतर्गत आते हैं। वह यानी साझा उच्च न्यायालय हैं 4 ऐसे न्यायालय हैं जो साझा न्यायालय हैं। केवल दिल्ली का ऐसा संघराज क्षेत्र है जिसका अपना उच्च न्यायालय है 1966 से है। तो एग्जाम में पूछा सकता है कि वो किस यूटी के पास जो अपना उच्च न्यायालय है। तो दिल्ली का ऐसा संघराज क्षेत्र है जिसके पास अपना खुद का उच्च न्यायालय है। और संसद एक दोस्तों अगला पॉइंट इसमें है संसद एक उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र का विस्तार किसी संघराज क्षेत्र में कर सकती है अथवा किसी संघराज क्षेत्र को एक उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र से बाहर कर सकती है। यानी संसद जो है एक उच्च न्यायालय के क्षेत्र का विस्तार किसी संघराज क्षेत्र में कर सकती है और या किसी संघराज क्षेत्र का एक उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्राधिकार से बाहर कर सकती है। दोस्तों संविधान के छठे भाग में अनुच्छेद 214 से लेकर के 231 तक उच्च न्यायालयों के गठन, स्वतंत्रता, न्यायिक क्षेत्र, शक्ति एवं शक्ति प्रक्रिया आदि के बारे में बताया गया है। उच्च न्यायालय प्रत्येक उच्च न्यायालय चाहे वो अनन्य हो या साझा हो में एक मुख्य न्यायाधीश और उतने ही न्यायाधीश जितने की आवश्यकता अनुसार समय समय पर राष्ट्रपति नियुक्ति करे। यानी कि मूल संविधान में जो है देखा जाए तो संविधान में न्यायाधीशों के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित नहीं की गई है। वो राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है यानी राष्ट्रपति के विवेक पर छोड़ दिया गया है। तो प्रत्येक उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या के बारे में बताया नहीं गया है और राष्ट्रपति चाहे तो इसे परिवर्तन कर सकता है यानी इसमें बढ़ा सकता है, घटा सकता है। अगला है न्यायाधीशों की नियुक्ति। न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है यानी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद की जाती है। यदि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति यानी अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति तो करता ही करता है लेकिन वहां के जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करना हो किसी हाई कोर्ट के तो भारत के राष्ट्रपति क्या करता है भारत के मुख्य न्यायाधीश और जिस राज्य में उस राज्य के संबंधित राज्यपाल से परामर्श करने के बाद नियुक्ति करता है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है नियुक्ति के संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श से की जाती है। यानी उसमें जो है अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करना हो तो संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श की जाती है। यदि दो या दो से अधिक राज्यों के जो साझा उच्च न्यायालय में नियुक्ति करना हो तो राष्ट्रपति संबंधित राज्यों के राज्यपाल से नियुक्त परामर्श के बाद ही करते हैं। यानी कि जब एक उच्च न्यायालय पर दो या दो से अधिक राज्यों का क्षेत्राधिकार उस पर आता है तो उसमें दोनों ही राज्यों के राज्यपाल से राष्ट्रपति जो है परामर्श करता है। तो दो या दो से अधिक राज्यों साझा उच्च न्यायालय में नियुक्ति में राष्ट्रपति संबंधित राज्यों के राज्यपालों से परामर्श करता है। यानी कि अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श से की जाती है।
आपको दोस्तों यही बता दें, द्वितीय न्यायिक मामले में 1993 में उच्चतम न्यायालय ने कहा, व्यवस्था दी कि जब तक उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं की जाती है जब तक वह राय के अनुरूप न हो। लेकिन तीसरे न्यायाधीश मामले 1998 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति पर जो है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श करना चाहिए। इस प्रकार अकेले मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से राय से परामर्श प्रक्रिया पूरी नहीं होती, यानी कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति पर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श करना चाहिए। अब न्यायाधीशों की योग्यता की बात कर लेते हैं दोस्तों, जो हाई कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं, इनकी योग्यता, वह भारत का नागरिक हो, वह जो है उसे भारत के न्यायिक कार्य में 10 वर्ष का अनुभव हो, यानी कि वो न्यायिक कार्यों में 10 वर्ष का अनुभव उसके पास है तो न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है। इसमें अगला पॉइंट है, वह उच्च न्यायालय में लगातार या न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो, यानी 10 वर्ष का न्यायिक कार्य का अनुभव हो, या वह उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय या न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश बन सकता है। अगला है, संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कोई न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं की गई है। संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में उनकी आयु के लिए कोई न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त संविधान में उच्च न्यायालय सॉरी इसके अतिरिक्त जो है संविधान में उच्चतम न्यायालय के विपरीत प्रख्यात न्यायविदों को उच्च न्यायालय का न्यायिक नियुक्त करने का कोई प्रावधान नहीं है। यानी कि देखा जाए, इसके अतिरिक्त जो संविधान में उच्चतम न्यायालय के विपरीत उच्चतम न्यायालय में जो प्रख्यात न्यायविद होंगे उनको नियुक्त किया जा सकता है, यानी कि राष्ट्रपति की नज़र में अगर कोई प्रख्यात विद है न्यायविद है तो राष्ट्रपति उसको सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट के संदर्भ में ऐसा प्रावधान नहीं है। शपथ, यानी जिस भी न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल उसको शपथ दिलाता है। अब न्यायाधीशों के कार्यकाल की बात करते हैं दोस्तों, न्यायाधीशों का कार्यकाल, संविधान में उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल निर्धारित नहीं किया गया है। संविधान में उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल निर्धारित नहीं किया गया है। वह 62 वर्ष तक जो है अपने पद पर बने रहते हैं। उनकी आय के संबंध में किसी प्रश्न का निर्णय राष्ट्रपति करता है, और राष्ट्रपति जो है निर्णय राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करता है। इस संबंध में राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होगा। यदि हाई कोर्ट के किसी न्यायाधीश की आय के संदर्भ में कोई प्रश्न उठता है तो न्यायाधीश राष्ट्रपति उसका निर्णय लेता है। हालांकि राष्ट्रपति ऐसा कर भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेता है, उसके बाद ही उसका निर्णय लेता है। या कोई भी न्यायाधीश हाई कोर्ट का न्यायाधीश राष्ट्रपति को त्यागपत्र अगर संबोधित भेज देता है तो वह उसका पद समाप्त हो जाता है। अगला, संसद की सिफारिश से राष्ट्रपति उसे पद से हटा सकता है, यानी संसद में जो है विशेष बहुमत के माध्यम से भी, महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से भी हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटा सकता है। अगला है, उसकी नियुक्ति उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में हो जाने या उसका किसी दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण हो जाने पर पद छोड़ देता है। अब न्यायाधीशों की हटाने की बात करते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति के आदेश से पद से हटाया जा सकता है, यानी कि उच्चतम न्यायालय को हटाना है तो राष्ट्रपति ही हटाता है। राष्ट्रपति न्यायाधीश को हटाने का आदेश, राष्ट्रपति जो है न्यायाधीश को हटाने का आदेश संसद द्वारा उसी सत्र में पारित प्रस्ताव के आधार पर जारी कर सकता है। प्रस्ताव को विशेष बहुमत के साथ संसद के प्रत्येक सदन का समर्थन मिलना चाहिए, और इसमें प्रस्ताव में उस सदन के कुछ सदस्यों के बहुमत का समर्थन और सदन मौजूद और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। अगर होता है तो राष्ट्रपति उसे हटा देता है। और हटाने को, अगर किसी न्यायाधीश को हटाना हो तो उसके आधार 2 हैं, एक सिद्ध कदाचार और अक्षमता, 2 ही आधार दिया गया। संविधान में हटाने के 2 ही आधार हैं, एक है सिद्ध कदाचार एवं अक्षमता के आधार पर राष्ट्रपति उसे हटा सकता है। अगला है इसमें पॉइंट्स, संक्षेप में कहें दोस्तों, जिस तरह से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है उसी तरह से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया समान तरीके से है। इसमें देखिए, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है। इसमें यदि लोकसभा में लाना हो, अगर महाभियोग की प्रक्रिया चलाना हो तो लोकसभा में 100 सदस्य और राज्यसभा में 50 सदस्य जो है हस्ताक्षर हटाने का प्रस्ताव अध्यक्ष या सभापति को संबोधित करेंगे। यानी लोकसभा 100 सदस्य और राज्यसभा में 50 सदस्य हस्ताक्षर करके जो है प्रस्ताव अध्यक्ष, यदि लोकसभा में देना तो अध्यक्ष को, राज्यसभा में देना तो सभापति को संबोधित करते हैं। यदि अध्यक्ष या सभापति उसको स्वीकार कर लेता है,
यदि प्रस्ताव स्वीकृति हो जाता है तो अध्यक्ष और सभापति एक जांच के लिए 3 सदस्यीय पैनल का गठन करते हैं, 3 सदस्य समिति का गठन किया जाता है। यानी कि जैसे ही अध्यक्ष या सभापति वो प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं तो 3 सदस्यीय समिति का गठन करता है। और इस समिति में दोस्तों कौन होता है, पहला होगा उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या कोई अन्य न्यायाधीश, यानी जांच में दोस्तों उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश होगा, सॉरी उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश, और दूसरा है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और एक प्रख्यात न्यायविद होने चाहिए, यानी उस समिति में एक सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या कोई न्यायाधीश आएगा, और दूसरा उसमें होगा हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, और तीसरा उसमें प्रख्यात न्यायविद होने। ये लोग क्या करते हैं, जिस न्यायाधीश को हटाना है तो उसके जो प्रस्ताव है उस पर जाँच करते हैं, और जाँच में पाया जाता है कि न्यायाधीश कदाचार दोषी है या अयोग्य है तो सदन में प्रस्ताव पर विचार कर सकता है, और संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पास होने के बाद न्यायाधीश को हटाने के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, अतः न्यायाधीश को हटाने के लिए राष्ट्रपति आदेश पारित कर देता है। अतः स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग की प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के समान ही है, यानी जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है उसी तरह से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया समान है। वेतन भत्तों की बात करें दोस्तों तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते सुविधा अवकाश पेंशन समय समय पर संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। कौन निर्धारित करता है, संसद करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते सुविधा अवकाश ये जो है संसद निर्धारित करता है, राज के द्वारा जो है नहीं, विधानमंडल नहीं करता है, ये संसद करता है। हालांकि वित्तीय आपात के समय ही इनके वेतन में कमी की जा सकती है, उसके साथ अन्य जो समय वेतन में कमी नहीं की जा सकती है। इसके अलावा उनको जो है भत्ता, निःशुल्क आवास, अन्य सुविधाएं जैसे चिकित्सा कार, टेलीफोन आदि भी प्रदान किया जाता है। जब वो रिटायरमेंट होते हैं तो उनके जो सैलरी होती है उसका 50% को पेंशन दिया जाता है। अब अगला है पॉइंट दोस्तों, न्यायाधीशों का स्थानांतरण यानी ट्रांसफर कैसे। भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श, भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद राष्ट्रपति एक न्यायाधीश का स्थानांतरण एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में कर सकता है। यानी राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करता है, उसके बाद जो है एक न्यायाधीश का स्थानांतरण एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में कर सकता है। स्थानांतरण पर यह वेतन के अतिरिक्त ऐसे प्रतिपूरक भत्तों का हकदार होगा जो संसद द्वारा निर्धारित किया गया है। लेकिन 1994 में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि न्यायाधीशों के स्थानांतरण में मनमानी रोकने के लिए न्यायिक समीक्षा जरूरी है। यदि मनमानी तरीके से किसी न्यायाधीश का जो है एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण किया जाता है तो उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, लेकिन वही न्यायाधीश इस मामले में चुनौती दे सकता है जिसे स्थानांतरित किया गया है तो उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। हालांकि तृतीय न्यायाधीश 1998 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश और 2 उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, एक वहां के जहां न्यायाधीश का स्थानांतरण होता है और एक वहां के जहां वह रह रहा हो के परामर्श करना चाहिए। यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश और 2 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, यानी कि पहले वह जहां रह रहा हो और दूसरा जहां वह जा रहा है वहां के मुख्य न्यायाधीशों से परामर्श करके ही उसे स्थानांतरण किया जा सकता है। इस तरह मात्र भारत के मुख्य न्यायाधीश से राय से परामर्श की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति जो है किसी उच्च न्यायालय में, राष्ट्रपति किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश को जो है उस उच्च न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। जब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो, यानी राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उस राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। यानी कि उच्च न्यायालय के जब वहां का मुख्य न्यायाधीश पद जो है रिक्त हो, या दूसरा पॉइंट से इसमें उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अस्थायी रूप से अनुपस्थित हो, यानी अपना कार्य अपने अस्थायी रूप से अनुपस्थित हो तो कर सकता है। यदि मुख्य न्यायाधीश अपने कार्य जो है निर्वहन में असक्षम हो तो राष्ट्रपति जो है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। उसके बाद आता है दोस्तों अतिरिक्त और कार्यकारी न्यायाधीश। राष्ट्रपति निम्नलिखित परिस्थितियों में योग्य व्यक्ति को उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में अस्थायी रूप से नियुक्त कर सकता है जिसकी अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होगी। राष्ट्रपति जो है योग्य व्यक्तियों को उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति मतलब अस्थायी रूप से कर सकता है जिसकी अवधि 2 वर्ष से नहीं, यानी वह व्यक्ति जो है अतिरिक्त और कार्यकारी न्यायाधीश के रूप में अधिकतम 2 वर्ष तक वह कार्य कर सकता है। पहला पॉइंट इसमें है कब करेगा, यदि अस्थायी रूप से उच्च न्यायालय का कामकाज बढ़ गया हो तब राष्ट्रपति अतिरिक्त और कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। और दूसरा पॉइंट से उच्च न्यायालय में बकाया कार्य अधिक अगर है
तब राष्ट्रपति जो है कार्यकारी अतिरिक्त कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। राष्ट्रपति उस स्थिति में भी योग्य व्यक्तियों को किसी उच्च न्यायालय में कार्यकारी न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है जब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अनुपस्थित या अन्य कारणों से अपने कार्यों का निष्पादन करने में असक्षम हो, तब राष्ट्रपति जो है अतिरिक्त कार्यकारी जो राष्ट्रपति तो न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। दूसरा पॉइंट इसमें है, किसी न्यायाधीश को अस्थायी तौर पर संबंधित उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। हालांकि जो कार्यकारी न्यायाधीश नियुक्ति राष्ट्रपति करता है उसकी उम्र जो है 62 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, नहीं वो 62 वर्ष के बाद तक कार्य नहीं कर सकता है। अगला है सेवानिवृत्त न्यायाधीश। अगला सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसी भी समय उच्च न्यायालय अथवा किसी अन्य उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को अस्थायी अवधि के लिए बतौर कार्यकारी न्यायाधीश काम करने के लिए कह सकता है। यानी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसी भी समय उच्च न्यायालय अथवा किसी अन्य उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त यानी जो रिटायरमेंट न्यायाधीश हो गए हैं उनको अस्थायी अवधि के लिए बतौर कार्यकारी न्यायाधीश काम करने के लिए कह सकता है। लेकिन वह ऐसा कब करेगा? राष्ट्रपति की पूर्व संतुष्टि एवं संबंधित व्यक्ति की मंजूरी के बाद ही कर सकता है। यानी राष्ट्रपति की पहले उसे अनुमति लेनी होगी और संबंधित व्यक्ति की मंजूरी लेने के बाद ही वह ऐसा कर सकता है। तो सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? कैसा करने के लिए कह सकता है? उस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, लेकिन राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति और उस संबंधित व्यक्ति के मंजूरी के बाद ही कर सकता है। ऐसे न्यायाधीश जो है ऐसे न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा तय भत्तों का अधिकारी होता है। यानी उसके जो भत्ते होते हैं राष्ट्रपति ही तय करता है। उसे उच्च न्यायालय के सभी न्यायिक क्षेत्र शक्तियां सुविधाएं और विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं, लेकिन अन्यथा वह उस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है लेकिन अन्यथा वह उस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश माना जाएगा। अगला है उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता। यानी उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता, संविधान उच्च न्यायालय के निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए निम्नलिखित उपबंध किए गए हैं। उच्च न्यायालय को सौंपे गए कार्यों के प्रभावी निष्पादन हेतु उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता अत्यंत आवश्यक है। इसे अतिक्रमण दबाव हस्तक्षेप से मुक्त होना चाहिए। उसे बिना ही डर पक्षपात के न्याय करने की छूट होनी चाहिए। पहला है नियुक्ति की विधि। नियुक्ति की विधि के संदर्भ में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और दूसरा है कार्यकाल की सुरक्षा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल सुरक्षा प्रदान की उनको संविधान उल्लिखित विधि और आधारों पर के सिवा राष्ट्रपति द्वारा सिर्फ राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जा सकता है। अन्य आधार हटाया नहीं जा सकता है। मिला के कह सकते हैं कि ये राष्ट्रपति के प्रसाद करण पद पर धारण नहीं करते हैं हाईकोर्ट के न्यायाधीश। अगला है निश्चित सेवा शर्तें। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन भत्ते विशेष अधिकार अवकाश एवं पेंशन निर्धारण समय समय पर संसद द्वारा किया जाता है और उनकी नियुक्ति के बाद सिवाय वित्तीय आपातकाल में के छोड़ करके किसी विषय में उनके वेतन भत्तों में कोई कमी नहीं की जा सकती है। और संचित निश्चित प्रभावित व्यय होता है। यानी संचित निश्चित प्रभावित व्यय है उनके न्यायाधीश यानी हाईकोर्ट के न्यायाधीश स्टाफ के वेतन भत्ते पेंशन भत्ते उच्च न्यायालय का प्रशासनिक खर्च संबंधी राज्य के संचित निधि पर भारित होते हैं। इस तरह विधानमंडल में कोई मतदान नहीं सिर्फ चर्चा हो सकती है। आपको दोस्तों यहाँ ध्यान देने की बात है कि जब एक हाईकोर्ट के न्यायाधीश किसी राज्य के हाईकोर्ट में काम करता है तो उस राज्य के संचित निधि से जो है वह वेतन भत्ते प्राप्त करता है, लेकिन जब रिटायरमेंट हो जाता है तो वह जो है पेंशन भत्ते भारत की संचित निधि से पेंशन प्राप्त करता है। यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पेंशन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। यानी कि जब वो कार्य करता है तब उसको जो है वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि से, लेकिन जब रिटायरमेंट हो जाता है तो उसको पेंशन भारत की संचित निधि से दिया जाता है न कि राज्य की संचित निधि से। अगला है न्यायाधीशों के कार्य पर चर्चा नहीं की जा सकती है। स्वतंत्रता के अंतर्गत यह भी आता है संविधान जो एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आचरण पर संसद अथवा राजभवन में चर्चा पर प्रतिबंध लगाता है। प्रक्रिया चल रही तब चर्चा हो सकता है। सेवानिवृत्ति के बाद वकालत पर प्रतिबंध है। यानी उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त अस्थायी न्यायाधीश भारत में उच्चतम न्यायालय और अन्य उच्च न्यायालयों के अलावा किसी भी न्यायालय में अथवा प्राधिकारी के समक्ष जो है सामने बहस अथवा कार्य नहीं कर सकता है। यानी कि वो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में कर सकता है लेकिन किसी भी अन्य न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष बहस नहीं कर सकता है। दूसरा है अगला पॉइंट इसमें अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति। यानी कि उच्च न्यायालय किसी भी व्यक्ति को अपनी अवमानना के लिए दंड दे सकता है। दूसरा है अगला पॉइंट इसमें है अपने कर्मचारियों की नियुक्ति की स्वतंत्रता। उच्च न्यायालय जो है का मुख्य न्यायाधीश यानी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उच्च न्यायालय में बिना कार्यपालिका के हस्तक्षेप की नियुक्ति कर सकता है और वह उनकी सेवा शर्तें भी तय कर सकता है। किसी हाई कोर्ट में जो कर्मचारी होते हैं कार्य करते हैं इनकी नियुक्ति जो है संबंधित राज्य का मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करता है, उनकी सेवा शर्तें भी तय करता है।
इसके न्यायिक क्षेत्र में कटौती नहीं की जा सकती है। उच्च न्यायालय की संविधान में उल्लेखित न्यायिक क्षेत्र और न्यायिक शक्तियों को न तो संसद और न ही राज्य का विधानमंडल कम कर सकता है। लेकिन अन्य मामलों में इसके न्यायिक क्षेत्र एवं शक्ति संसद एवं राज्य विधानमंडल द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। अगला है कार्यपालिका से पृथक्करण। संविधान जो है राज्यों को निर्देश देता है कि वो लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखे। इसका अर्थ है कि कार्यपालिका के प्राधिकारियों को न्यायिक शक्तियां नहीं रखनी चाहिए, यानी कार्यपालिका के जो प्राधिकारी अधिकारी हैं वो न्यायिक शक्तियां नहीं रख सकते हैं। अब आता है अगला पॉइंट दोस्तों, उच्च न्यायालय के न्याय क्षेत्र एवं शक्तियां। उच्चतम न्यायालय की तरह ही उच्च न्यायालय को भी व्यापक एवं प्रभावी शक्तियां दी गई हैं। यह राज्य में अपील करने का सर्वोच्च न्यायालय, यानी किसी भी राज्य में अपील करने का सर्वोच्च न्यायालय है उच्च न्यायालय। यह नागरिकों के मूल अधिकारों का रक्षक है। इसके पास संविधान की व्याख्या करने का अधिकार होता है। इसके अलावा जो है इसकी पर्यवेक्षक एवं सलाहकार की भूमिका होती है। यद्यपि संविधान में उच्च न्यायालय की शक्तियों एवं क्षेत्राधिकार के बारे में विस्तृत उपबंध नहीं है, विस्तार से नहीं बताया गया है। इसे संविधान में त्वरित न्यायाधिकरण की तरह बताया गया है, यानी हाई कोर्ट को जो है त्वरित न्यायाधिकरण की तरह बताया गया है। संविधान में जो है उच्च न्यायालय को कुछ अतिरिक्त अतिरिक्त शक्तियां अनुबंधों के द्वारा, जैसे न्यायाधीश, पर्यवेक्षक की शक्ति, परामर्श की शक्ति आदि भी दी गई है। वर्तमान में जो है उच्च न्यायालयों को निम्नलिखित न्यायिक क्षेत्र और शक्तियां प्राप्त हैं। पहला है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, दूसरा है न्यायाधीश यानी रिट क्षेत्राधिकार, तीसरा है अपील क्षेत्राधिकार, चौथा है पर्यवेक्षीय क्षेत्राधिकार और पांचवा है अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण और छठवां है अभिलेख न्यायालय और सातवां है न्यायिक समीक्षा की शक्ति। तो पहले हम देखेंगे प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, इसका अर्थ है उच्च न्यायालय को विवादों की प्रथम दृष्टता सुनवाई सीधे न कि अपील के जरिए करने का अधिकार है, यानी विवादों के संदर्भ में व्यक्ति जो है सीधे अपील कर सकता है। यह प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। कब कर सकता है? अधिकारिता का मामला, वसीयत, विवाह, तलाक, कानून, कंपनी कानून या न्यायालय की अवमानना के संदर्भ में व्यक्ति प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के तहत जो है अपील कर सकता है, जा सकता है सीधे। और दूसरा पॉइंट इसमें है संसद जो है संसद सदस्यों और राज्य विधानमंडल सदस्यों के निर्वाचन संबंधी विवाद करना है तो इसका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। यानी कि राज्य विधानमंडल और जैसे विधानसभा या लोकसभा का चुनाव होता है उसमें कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो हाई कोर्ट का जो है उस राज्य के हाई कोर्ट का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है वह। अगला है राजस्व मामले में संग्रहण के लिए बनाए गए किसी अधिनियम अथवा आदेश के संबंध में। अगला है नागरिकों के मूल अधिकारों का प्रवर्तन, नागरिकों के मूल अधिकारों को लागू करने के संदर्भ में इसका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। और इसी के अंतर्गत संविधान की व्याख्या के संबंध में अधीनस्थ न्यायालयों से स्थानांतरित मामलों में इसका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। अगला इसमें पॉइंट है उच्च महल से इन मामलों में के संदर्भ में चार उच्च न्यायालयों कलकत्ता, बंबई, मद्रास और दिल्ली उच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत क्षेत्राधिकार हैं। 1973 से पूर्व कलकत्ता, बंबई और मद्रास उच्च न्यायालयों के पास मूल आपराधिक जो है क्षेत्र थे। इनका आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 द्वारा पूरी तरह निरस्त कर दिया गया है। अब दूसरा पॉइंट इसमें दोस्तों, अगला है रिट क्षेत्राधिकार। संविधान का अनुच्छेद 226 एक उच्च न्यायालय को नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन और अन्य किसी उद्देश्य के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकार पृच्छा जो है लेख जारी कर सकता है, रिट जारी कर सकता है। किसी अन्य उद्देश्य के पद का अर्थ दोस्तों यहाँ के समान कानून अधिकार प्रवर्तन से है, यानी 226 के तहत उच्च न्यायालय जो है रिट जारी कर सकता है। यदि न्यायाधीश देने का कारण उसके क्षेत्राधिकार राज्य की सीमा में है तो उच्च न्यायालय किसी भी व्यक्ति, प्राधिकरण और सरकार को अपने क्षेत्राधिकार के राज्य क्षेत्र की सीमाओं के अंदर बल्कि इसके बाहर भी ऐसे न्यायाधीश दे सकता है। उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 226 के अंतर्गत अनन्य होकर उच्चतम न्यायालय के जो क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 32 के तहत समवर्ती है उसके समान है। यानी कि उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार जो क्षेत्र रिट देने मतलब लागू करने संबंधी जो क्षेत्राधिकार है वह सुप्रीम कोर्ट के समान ही है। यद्यपि जो है दोस्तों उच्च न्यायालय के इस संबंध में न्यायिक क्षेत्र उच्चतम न्यायालय से ज्यादा विस्तारित है, यानी कि जो हाई कोर्ट है
वह मूल अधिकार से हटकर के विधिक संदर्भ में भी रिट जारी कर सकता है। इसे इसलिए क्योंकि उच्चतम न्यायालय सिर्फ मूल अधिकारों के प्रवर्तन संबंधी आदेश दे सकता है, न कि अन्य किसी प्रयोजन के लिए। यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि हाई कोर्ट जो है किसी अन्य प्रयोजन के लिए भी जो है रिट जारी कर सकता है, लेकिन वहीं सुप्रीम कोर्ट सिर्फ मूल अधिकारों के संदर्भ में ही रिट जारी कर सकता है। चंद्र कुमार मामले में 1997 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि उच्चतम न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार संविधान के मूल ढांचा है। यानी जो जो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय जो रिट जारी करते हैं वो संविधान का मूल ढांचा है। इसका तात्पर्य है कि संविधान संशोधन जरिए इसे कुछ जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता है, कोई परिवर्तन नहीं किया सकता है। अगला पॉइंट है अपील क्षेत्राधिकार। उच्च न्यायालय मूलतः एक अपीलीय न्यायालय है। यहाँ जो है यहाँ इसके राज क्षेत्र के तहत आने वाले अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों के विरुद्ध अपील की सुनवाई की जा सकती है उच्च न्यायालय में। यह दोनों तरह के सिविल एवं आपराधिक मामलों के बारे में अपील होती है, यानी कि किसी भी हाई कोर्ट में सिविल मामला के साथ साथ आपराधिक मामलों भी अपील की जा सकती है। इस प्रकार अपीलीय क्षेत्राधिकार जो है उच्च न्यायालय का न्यायिक क्षेत्र इसके मूल न्यायिक यानी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से ज्यादा विस्तारित है। यानी अपीलीय क्षेत्राधिकार जो है इसके मूल न्यायिक क्षेत्राधिकार से ज्यादा विस्तृत है। इसमें दीवानी मामला के संदर्भ में आ जाएगा। इसमें क्या है कि जिला न्यायाधीशों, अतिरिक्त जिला न्यायालयों, अन्य अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों और निर्णयों को प्रथम अपील के लिए कानून और दोनों प्रकारों के प्रश्नों के लिए सीधे उच्च न्यायालय में लाया जा सकता है, अपील की जा सकती है। दूसरा पॉइंट है जिला न्यायालयों अन्य अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों और निर्णयों के विरुद्ध दूसरी अपील जिसमें कानून का प्रश्न हो तो सीधे अपील की जा सकती है। तीसरा है पॉइंट इसमें कलकत्ता, बंबई, मद्रास उच्च न्यायालयों में अंततः न्यायिक अपील का प्रावधान है। जब उच्च न्यायालय का कोई एक न्यायाधीश मामले में निर्णय देता है उच्च न्यायालय के मूल या अपील क्षेत्राधिकार के तहत हो तो की जा सकती है। ऐसे मामलों में निर्णय उसी न्यायालय के खंडपीठ में हो। अगला है प्रशासनिक एवं अन्य अधिकरणों के निर्णयों के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय में के खंडपीठ के सामने की जा सकती है। हालांकि 1997 उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि ये अधिकरण उच्च न्यायालय के न्याय क्षेत्र अधिकार के विषयाधीन है। परिणाम स्वरूप किसी पंचायत के फैसले के खिलाफ पीड़ित व्यक्ति बिना पहले उच्च न्यायालय गए सीधे उच्चतम न्यायालय में नहीं जा सकता है। यानी कि परिणाम स्वरूप किसी पंचायत के फैसले के खिलाफ पीड़ित व्यक्ति बिना पहले उच्च न्यायालय गए सीधे उच्चतम न्यायालय में नहीं जा सकते। यानी कि पंचायत के खिलाफ यदि कोई हमें अपील करना हो तो पहले उच्च न्यायालय जाना होगा, उसके बाद ही उच्चतम न्यायालय में हम जा सकते हैं, पहले हाईकोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट। अब आता है आपराधिक मामलों के संदर्भ में अपील करने के लिए। यानी सत्र न्यायाधीश, सत्र न्यायालय और अतिरिक्त सत्र न्यायालय के निर्णय के खिलाफ उच्च न्यायालय में तब अपील की जा सकती है जब किसी को 7 वर्ष से अधिक की सजा हुई हो। यानी जब सत्र न्यायालय या अतिरिक्त सत्र न्यायालय किसी व्यक्ति को 7 वर्ष से अधिक की सजा दी है तो तब अपील की जा सकती है। यह भी ध्यान रखने की योग्य बात है कि सत्र न्यायालय या अतिरिक्त सत्र न्यायालय द्वारा दी गई सजाएं मौत पर कार्रवाई से पहले उच्च न्यायालय की पुष्टि की जानी चाहिए। यानी कोई सत्र न्यायालय अतिरिक्त सत्र न्यायालय कोई सजाएं मौत आमद मृत्युदंड देने जाना जाना या जाने वाला है पर उससे पहले उच्चतम न्यायालय की पुष्टि होना चाहिए। चाहे सजा पाने वाले व्यक्ति ने अपील की हो या न की हो उसकी परिपुष्टि होना चाहिए। दूसरा पॉइंट इसमें है आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 में कुछ मामलों में उल्लिखित सहायता, सहायक सत्र न्यायाधीश, नगर दंडाधिकारी, अन्य दंडाधिकारी न्याय जो दंडाधिकारी के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। अगला है पर्वतीय न्याय क्षेत्राधिकार। उच्च न्यायालय को इस बात का अधिकार है कि वो अपने क्षेत्राधिकार के क्षेत्र के सभी न्यायालयों, सहायक न्यायालयों के क्रियाकलापों पर नजर रखे सिवाय सैन्य न्यायालय अधिकरणों के। यानी कि वो सैन्य न्यायालय और अधिकरणों पर जो है पर्यवेक्षक अधिकार नहीं रख सकता है। वह मामले को स्वयं अपने पास मंगवा सकता है, समान नियम के तौर पर जारी कर सकता है, समानतः नियम तैयार और जारी कर सकता है और उनके प्रयोग और कार्रवाई को नियमित करने के लिए प्रपत्र निर्धारित कर सकता है। इसमें जो है पर्यवेक्षक के अंतर्गत दोस्तों आपको बता दें पर्यवेक्षक के मामले में उच्च न्यायालय की शक्तियां बहुत ही व्यापक हैं। पर्यवेक्षण के मामले में उच्च न्यायालय की शक्तियां बहुत व्यापक हैं क्योंकि ये सभी न्यायालयों एवं सहायकों पर जो है विस्तारित होता है। ये सभी न्यायालयों एवं सहायकों पर विस्तारित होता है चाहे वे उच्च न्यायालय में अपील के क्षेत्राधिकार में हो या न हो। इसमें न केवल प्रशासनिक पर्यवेक्षक बल्कि न्यायिक पर्यवेक्षक भी शामिल है। यानी कि एक हाईकोर्ट जो है अपने अधीनस्थ न्यायालयों पर जो है प्रशासनिक पर्यवेक्षक के साथ साथ
न्यायिक प्रवचन भी करता है। यह पुनर्व्याख्यित न्याय क्षेत्र है, स्वयं संज्ञान ले सकता है, किसी पक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र आवश्यक नहीं है। अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण की बात करते हैं दोस्तों। अधीनस्थ न्यायालयों पर एक उच्च न्यायालय के अपीलीय न्यायिक क्षेत्र पर्यवेक्षकीय अधिकारों जिन पर ऊपर उल्लेख किया गया है के अलावा प्रशासनिक नियंत्रण अन्य शक्तियां रहती हैं। पहला है दोस्तों जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, तैनाती, पदोन्नति और एक व्यक्ति की राज्य न्यायिक सेवा में नियुक्ति की राज्यपाल से परामर्श लेना आवश्यक होता है। इससे राज्यपाल इससे परामर्श लेता है, यानी कि किसी न्यायाधीश की नियुक्ति करना हो तो राज्यपाल उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश से, उनको नियुक्ति करना हो, तैनाती करना हो, पदोन्नति करना हो तो वो जो है उच्च न्यायालय से परामर्श लेता है राज्यपाल से। अगला पॉइंट है राज्य की न्यायिक सेवा के तैनाती, स्थानांतरण, सदस्यों के अनुशासन, अवकाश, स्वीकृति, पदोन्नति आदि मामलों में देखता है हाईकोर्ट। अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित किसी मामले को वापस ले सकता है यदि उसके महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न शामिल हो और संविधान की व्याख्या की आवश्यकता हो तो वह वापस मंगवा सकता अपने पास। देख सकते हैं दोस्तों इलाहाबाद न्यायाधीश इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना 1866 में हुई थी, हैदराबाद की जो है 1954 में, बंबई की 1862 में, कलकत्ता की 1862 में हुई थी, गुवाहाटी इसमें देख लीजिए गुवाहाटी 1948 में, इसमें असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश आता है। वहीं कलकत्ता की बात करते हैं, इसमें पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसमें इसके क्षेत्राधिकार के संदर्भ में आते हैं। और दिल्ली का अपना खुद का उच्च न्यायालय है, इसका स्थापना 1966 में हुई थी। इसके बाद जो एक से अधिक क्षेत्रों पे, हाँ वहीं देखिए केरल पे जो है, केरल की स्थापना 1958 में, इसमें केरल और लक्षद्वीप का क्षेत्राधिकार इस पे है। मद्रास भी देखिए 1862 में हुआ था, इसमें तमिलनाडु और पुदुचेरी आता है। हरियाणा पंजाब में जो है 1855 में हुआ था, इसमें पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ आता है। अगला इसमें पॉइंट दोस्तों अभिलेख न्यायालय की बात। अभिलेख न्यायालय के रूप में उच्च न्यायालय के पास दो शक्तियां हैं। पहला पॉइंट इसमें दोस्तों उच्च न्यायालय के फैसले, कार्रवाई और कार्य शाश्वत स्मृति और परिसाक्ष्य के लिए रखे जाएंगे, यानी जो भी कार्रवाई फैसला किया गया है साक्ष्य के रूप में रखा जाएगा और इन अभिलेखों को साक्ष्य के तौर पर अधीनस्थ न्यायालयों में कार्रवाई के समय इन पर सवाल नहीं उठाए जा सकते हैं, इन्हें कानूनी परंपराओं और संदर्भों की तरह माना जाएगा। दूसरा पॉइंट है इसे न्यायालय की अवमानना पर साधारणतः कारावास या आर्थिक दंड या दोनों प्रकार के दंड देने का अधिकार है। न्यायालय की अवमानना पद को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है, हालांकि न्यायालय की अवहेलना अधिनियम 1971 में इसे परिभाषित किया गया है। अवहेलना का तत्पर इसमें दोस्तों है दीवानी अवहेलना और आपराधिक अवहेलना। सिविल अवहेलना का अर्थ है न्यायालय के किसी निर्णय, आदेश या न्यायाधीश या अन्य प्रक्रिया को जानबूझकर पालन न करना, ये सिविल अवहेलना के अंतर्गत आता है। वहीं आपराधिक अवहेलना के अंतर्गत दोस्तों जो है किसी मामले का प्रकाशन या ऐसी कार्रवाई न्यायालय के प्राधिकार को कलंकित अथवा कम करता हो। और अगला पॉइंट इसमें है न्यायिक कार्रवाई के प्रति दुराग्रह अथवा उसमें हस्तक्षेप करता हो तो यह जो है आपराधिक अवहेलना के अंतर्गत आएगा। किसी अन्य प्रकार से न्यायिक प्रशासन में अवरोध या हस्तक्षेप करना जो है आपराधिक अवहेलना के अंतर्गत आएगा। अभिलेख न्यायालय के रूप में उच्च न्यायालय किसी मामले के संबंध में दिए गए अपने स्वयं के आदेश, यानी कि जब कोई हाई अभिलेख न्यायालय के संदर्भ में एक हाई कोर्ट जो अपने जो निर्णय दिया है स्वयं को आदेश, यानी स्वयं के आदेश या निर्णय की समीक्षा और उसमें सुधार कर सकता है, यानी जिस उसने जो भी आदेश दिया है, निर्णय दिया है, उसमें कोई सुधार कर सकता है। दूसरी ओर उच्चतम न्यायालय को संविधान ने विशिष्ट रूप से अपने निर्णयों की समीक्षा करने की शक्ति प्रदान की है। उन्हें कह सकते हैं दोस्तों कि हाई कोर्ट का जो है हाई कोर्ट्स किसी राज्य का हाई कोर्ट अपने द्वारा जो आदेश दिए गए हैं उनमें कोई सुधार कर सकता है, यद्यपि इस संबंध में संविधान द्वारा कोई इसे विशेष जो है शक्तियां प्रदान नहीं की गई। वहीं दूसरी ओर उच्चतम न्यायालय को संविधान ने विशिष्ट रूप से अपने निर्णयों की समीक्षा करने की शक्तियां दी गई जबकि हाईकोर्ट को नहीं दी गई हैं। अगला है न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति। उच्च न्यायालयों को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति राज्य विधानमंडल और केंद्र सरकार, यानी राज्य विधानमंडल और केंद्र सरकार दोनों के अधिनियमों और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता का के परीक्षण के लिए है, यानी कि न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के अंतर्गत एक हाईकोर्ट जो है राज्य के विधानमंडल और केंद्र सरकार के द्वारा जो भी नियम कानून बनाए जाते हैं उनकी समीक्षा वह कर सकता है। यदि वे संविधान का उल्लंघन करने वाले हैं या उन्हें असंवैधानिक या असमान रूप से घोषित किया सकता है, यदि वे संविधान का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें असंवैधानिक रूप से जो है उसे शून्य घोषित किया सकता है, परिणामस्वरूप सरकार उसे लागू नहीं कर सकती है।
यदि न्यायिक समीक्षा का जो है शब्द का प्रयोग संविधान में कहीं नहीं किया गया, यानी न्यायिक समीक्षा पदांश पदांश का जो है प्रयोग संविधान में कहीं नहीं किया गया है, लेकिन अनुच्छेद 13 और 226 के अनुच्छेद 213 और 226 में उच्च न्यायालय द्वारा द्वारा इसकी जो है समीक्षा के उपबंध स्पष्ट है। यानी कि एक हाईकोर्ट जो है अनुच्छेद 213 का, 213 का तात्पर्य दोस्तों मूल अधिकारों को उल्लंघन करने वाली विधियों का अल्पीकरण। यानी कि अगर कोई न्यायालय कोई जो है मूल अधिकारों को उल्लंघन करने में कोई आदेश आता है, यानी कोई विधि आती है, तो न्याय जो है उच्च न्यायालय उसकी जो है समीक्षा कर सकती है, उसको वहां तक समाप्त कर सकती है और रिक्त क्षेत्राधिकार के अंतर्गत इसकी जो है न्यायिक समीक्षा दी गई। अनुच्छेद 13 और 226 के अंतर्गत जो है न्यायिक समीक्षा एक उच्च न्यायालय कर सकता है। पहला उसमें पॉइंट है जब मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो, जिस प्राधिकरण द्वारा तैयार किया गया है उसके कार्यक्षेत्र से बाहर हो, दूसरा संवैधानिक उपबंधों के विरुद्ध हो, तो ऐसा वह कर सकता है। हालांकि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से न्यायिक समीक्षा की शक्ति को कम कर दिया गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से एक उच्च न्यायालय यानी उच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की शक्ति को कम कर दिया गया था, लेकिन 43वें संविधान संशोधन 1977 फिर इसे मूल स्थिति में बहाल कर दी गई, यानी वो न्यायिक समीक्षा कर सकता है हाईकोर्ट। अब इसमें कुछ अनुच्छेद है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है उच्च न्यायालय से संबंधित कुछ अनुच्छेद एक नज़र में। 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा, यानी कि राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा, ये अनुच्छेद 214 में कहा गया है। उच्च न्यायालयों के अभिलेख के न्यायालय के रूप में 215 हैं। उच्च न्यायालयों के अभिलेखों के न्यायालय के रूप में दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ये अनुच्छेद है 215। अब 216 में है उच्च न्यायालय का गठन, उच्च न्यायालय के गठन। 217 में है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद के लिए नियुक्ति एवं दशाएं हैं, 217 में इसका उल्लेख है। 218 में अनुच्छेद 218 में उच्च न्यायालय में उच्चतम न्यायालय से संबंधित कतिपय प्रावधानों का लागू होना, अनुच्छेद 218 में इसका उल्लेख है। 219 में है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का शपथ ग्रहण, और 220 में अस्थायी न्यायाधीशों को बहाल होने के बाद प्रैक्टिस पर प्रतिबंध है, और 221 में न्यायाधीशों के वेतन इत्यादि के बारे में चर्चा की गई है। अगला है किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण, 222 में। ये सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों कार्यवाहक, कार्यवाहक जो है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इस अनुच्छेद के तहत जो है हाई कोर्ट में नहीं उच्च न्यायालय में कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है अनुच्छेद 223 के तहत। इसके अलावा है महत्वपूर्ण अनुच्छेद है 224, ये अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 224 के तहत की जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों। और अगला है 224A के तहत उच्च न्यायालय में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति, ये भी अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण है कि उच्च न्यायालयों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कब की जा सकती है, किस अनुच्छेद के तहत, सॉरी उच्च न्यायालय में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, अनुच्छेद 224A के तहत। अगला इसमें है 226, उच्च न्यायालयों के तहत केंद्रीय नियमों की संवैधानिक वैधता विचार नहीं किया जा रहा, निरस्त कर दिया गया है, हालांकि अब नहीं है। और अगला है 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालय का सभी न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति, यानी उच्च न्यायालय का सभी अपने अधीश न्यायालय पर अधीक्षण की शक्ति है। और 228 के अंतर्गत उच्च न्यायालय में कतिपय मामलों का स्थानांतरण। अगला है अनुच्छेद 231, दो या अधिक राज्यों के लिए साझा उच्च न्यायालय की स्थापना, सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों है अनुच्छेद 231 के तहत दो या अधिक राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है दोस्तों ये अनुच्छेद है। अब आते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें है उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या के बारे में संविधान में उल्लेख किया गया है, तो उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या के बारे में संविधान में नहीं बताया गया, यानी पहला पॉइंट इसका गलत हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है प्रत्येक उच्च न्यायालय का सभी अन्य न्यायालयों एवं अधिकरणों पर अधिकार है, बशर्ते कि वे उस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं। देखिए सभी पता नहीं, जो सैन्य न्यायालय अधिकरण उस पर तो नहीं आता है, अधीनस्थ न्यायालय पर आता है, लेकिन अधिकरणों और सैन्य न्यायालय हैं उन पर तो नहीं आता है, तो दूसरा भी गलत है। इसलिए न तो पहला सही है न दूसरा, इसका सही आंसर है डी, न तो पहला न दूसरा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और एक उच्च न्यायालय के संदर्भ में अपनी अवमानना का दंड देना ये उच्च न्यायालय कर सकता है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रेषित किसी विधिक मुद्दे पर सलाह देना, तो सलाह के संदर्भ में जो है राष्ट्रपति हाईकोर्ट से नहीं लेता है, वो सुप्रीम कोर्ट से लेता है, दूसरा गलत हो गया इसमें। तीसरा है राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रेषित किसी विधि के मुद्दे पर सलाह देना, तो ये भी गलत है, ये सलाहकार प्रवृत्ति का नहीं है। चौथा है मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए लेख या रिट जारी करना, तो ये कर सकता है, 226 के तहत हाईकोर्ट जो है रिट जारी करता है मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के संदर्भ में, तो 1-4 सही इसका सही आंसर हो जाएगा, ए पहला सही इसका है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों
न्यायाधीशों का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण किस प्रकार किया जा सकता है, यानी कि एक न्यायाधीश का नियुक्ति मतलब एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट में न्यायाधीश के अगर स्थानांतरण करना हो तो किस प्रकार किया सकता है। इसका सही आंसर है डी दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर भारत का राष्ट्रपति, यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति ही एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों को स्थानांतरण करता है। अगला इसमें है चौथा क्वेश्चन, उच्च न्यायालय का एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश, सेवानिवृत्त, इसका सही आंसर है उस उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस कर सकता है जहां से वह सेवानिवृत्त हुआ है, यानी वह उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में कर सकता है लेकिन वह अधीनस्थ या किसी के सामने प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। अगला है क्वेश्चन दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करने की शक्ति संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति से अधिक नहीं है, क्योंकि कहने का तात्पर्य है कि जो 32 अनुच्छेद 32 के अंदर सर्वोच्च न्यायालय की जो रिट जारी करने की शक्ति है और वही उच्च न्यायालय के 226 के अंदर रिट जारी करने की शक्ति से अधिक नहीं है, क्योंकि दोस्तों इसका सही आंसर है बी, मूल अधिकार एवं अन्य कानूनी मामलों में रिट जारी कर सकते हैं, यानी कि जो हाई कोर्ट है वो मूल अधिकारों के साथ साथ अन्य मामलों यानी विधिक अधिकारों के संदर्भ में भी जो है अन्य अधिकारों के संदर्भ में वो रिट जारी कर सकता है, विधिक मामलों के संदर्भ में वो रिट जारी कर सकता है कौन, हाई कोर्ट। तो रिट जारी करने के संदर्भ में शक्तियां जो है हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा है। अगला है, किसी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में वृद्धि निम्न में से कौन कर सकता है, तो विधि द्वारा संसद कर सकती है। किसी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में वृद्धि करना हो या उसमें कोई कमी करना हो तो वह संसद जो है कर सकती है विधि बना करके। अगला क्वेश्चन इसमें है, एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह की सही रूप से किस प्रकार व्याख्या की जा सकती है, तो इसका सही आंसर है सी, मुख्य न्यायाधीश के राय की पुष्टि के संदर्भ में, यानी कि मुख्य न्यायाधीश की अगर राय उसमें रहती है तभी वह होता है। अगला है क्वेश्चन उसमें, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख को ठुकराए जाने के बाद संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत इसे उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया सकता है, तो नहीं। यदि सर्वोच्च न्यायालय ने बंदी प्रत्यक्षीकरण का लेख ठुकरा दिया है तो उसे हाई कोर्ट जारी नहीं कर सकता है। अगला है, रिट जारी करने के मामले में सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की शक्तियां समान है, तो सही है, रिट जारी करने के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय की शक्तियां समान है, इसका सही आंसर है डी, यानी ए असत्य है लेकिन आर जो इसका सत्य है। अगला है क्वेश्चन दोस्तों, इसमें निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णय का अतिक्रमण कर सकता है, दूसरा है उच्च न्यायालय अपने निर्णय का अतिक्रमण कर सकता है, तो ये पॉइंट इसका सही है, दूसरा भी सही है, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अपने सभी न्यायालयों पर अधिकारी होता है, बिल्कुल सत्य है, उच्च न्यायालयों के निर्णय अधीनस्थ न्यायालय पर अधिकारी नहीं होता है, गलत है, उच्च न्यायालय का यानी हाई कोर्ट के निर्णय जो होंगे अपने अधीनस्थ न्यायालयों पर अधिकारी होगा, ये गलत कार्य नहीं होगा जो कि गलत है। अगला है, निम्न में से किस उच्च न्यायालय से सबसे अधिक राज्यों या केंद्रशासित प्रदेशों का क्षेत्राधिकार है, तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय दोस्तों, इस पे जो है असम का क्षेत्राधिकार है, असम पर है, नागालैंड पर है, मिजोरम पर है, अरुणाचल प्रदेश पर है, चार राज्यों पर है इसका। अगला है क्वेश्चन दोस्तों, एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किस प्रकार उसके पद से हटाया जा सकता है, इसका सही आंसर है बी, संसद, यदि संसद दो तिहाई बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पारित करे तो राष्ट्रपति द्वारा उसे अपने पद से हटाया जा सकता है। अगला है न्यायिक पुनर्विलोकन का क्या अर्थ है, इसका सही आंसर है बी दोस्तों, किसी विधायी या कार्यपालक अधिनियमों जो संविधान के प्रावधानों के अनुरूप न हो को अस्वीकार करने की न्यायालय की शक्ति को कहते हैं पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन। अगला क्वेश्चन है, संविधान के प्रावधानों के अनुसार निम्न में से किसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति से परामर्श करने का अधिकार है, यानी किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्ति करना हो तो राष्ट्रपति से परामर्श करने का अधिकार, यहाँ पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति से परामर्श करने का अधिकार है राज्यपाल से, यानी उस राज्य के राज्यपाल से राष्ट्रपति परामर्श करता है नियुक्ति के समय। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में, आपको ये बता दें कि उस राज्य के यानी दो या दो से अधिक राज्यों के अगर साझा न्यायालय है तो जितने भी न्यायालय उसके अंतर्गत राज्य आएंगे तो सभी राज्यों के राज्यपालों से राष्ट्रपति परामर्श करेगा, किसी एक राज्य से नहीं।
लेकिन जिस राज्य में सिर्फ एक ही न्यायालय है, उसका साझा न्यायालय नहीं है, तो उसमें सिर्फ उस राज्य के न्यायालय से करेगा। साझा न्यायालय के संदर्भ में सभी राज्यों के राज्यपाल से वह सलाह करेगा, परामर्श लेगा राष्ट्रपति। अगला पॉइंट है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों के संबंध में रिट जारी करने की अधिकार प्राप्त है? तो है अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक उच्च न्यायालय के, एक राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? यानी कि हाई कोर्ट के मुख्य क्षेत्राधिकार के अंतर्गत मूल क्षेत्राधिकार आता है, अपीलीय क्षेत्राधिकार आता है, विशेष अपील सुनने का अधिकार आता है, और परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार आता है, नहीं परामर्श क्षेत्राधिकार नहीं आता है। तो मूल क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार और विशेष अपील सुनने का अधिकार आता है। इनका सही आंसर है पहला, 1, 2, 3 सही है, चौथा इसका गलत है। दोस्तों आज इतना ही, यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।